नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आइए बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी कल कहाँ कामकाज कर सकता है और आज की एनालिसिस हमने किस तरह से करी थी। तो दोस्तों 21,050 निफ्टी का क्लियरली सपोर्ट बताया था, वहां से मार्केट ने एक शानदार अप मूवमेंट दी आपको और ऊपर की साइड में पैसा बना और करीबन मैंने 9:38 पर टुडे लो होल्ड देन बाय निफ्टी और 9:38 की कैंडल मतलब तीसरी कैंडल पर ही ये वाली कैंडल बनी थी। 9:35 की कैंडल है तो इसके बाद वाली कैंडल पे शानदार आपको मतलब मूवमेंट मिला। अगर 21,000 की कॉल के अंदर अगर आपने खरीदी होगी तो ये उस टाइम करीबन चल रही थी 70 और शायद इसका हाई होगा, अभी देख के बता देते हैं, 262 284 हाई है। तो दोस्तों राइट टाइम हम क्या है कि बता देते हैं कि भैया यहाँ से ये एक सपोर्ट जोन है, ये एक रेजिस्टेंस है, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। तो इस ये यहीं पे ही यानी कि हमारी एनालिसिस थी कि भाई ये इस पॉइंट तक करीबन एक करेक्शन जो मूड है 20,800 950 ये करेक्शन मूड आया था कहाँ से, ये वाली से। ये अभी अगर देखते हो तो 0.50 का लेवल है, एग्जैक्ट 0.50 से मतलब 21,050। तो यहाँ पे हमने क्लियरली कहा था कि अगर यहाँ पे हायर हाई बनाता है तो आप ऊपर की साइड शानदार अप मूवमेंट देख सकते हो। तो ये करेक्शन है, ये देखो ये फिबोनाची मैंने बना के ड्रॉ कर रखी है कल की। तो ये तेजी कहाँ से थी, इस पॉइंट से थी, मतलब ये नया हाई है। यहाँ से तेजी को लेके इस ऊपर तक की तेजी को ले गए और ये करेक्ट हुआ 50 पॉइंट के आसपास, थोड़ा नीचे भी आया 0.618 है, मतलब 20,924 का एग्जैक्ट पॉइंट है जो 0.618 का ये वाला पॉइंट आता है आपके फिबोनाची का। तो अब क्या किया कि मार्केट ने करेक्शन कर लिया कंप्लीट और अब आप अगेन आप नए हाइज की तरफ मार्केट में जाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े। जो भी फर्स्ट टाइम है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेस्ट बेस्ट एनालिसिस यहाँ पे दी जाती है। और प्लस अगर आप सेल्फ ट्रेडर हैं तो आपकी नॉलेज के लिए, आपके एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए, ये चीजें सीखने के लिए मैंने फ्री के अंदर कोर्सेज भी डाल रखे हैं। फ्री के अंदर हमारी स्टॉक मार्केट क्लासेस करके फ्री प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके आप कोर्स चेक कर सकते हैं। और सेम चीज बैंक निफ्टी के अंदर क्या कह कह के गए थे कि ज्यादा से ज्यादा आपका कौन सा पॉइंट है, मतलब 46,800 ये 0.36 है और ये 5 तक आता है तो 46,488। और अब आप देखोगे तो ये यहाँ पे इसने क्या किया, नीचे आके बैंक निफ्टी ने सबको ट्रैप कर दिया और एक अगेन ये जो हायर हाई का पैटर्न चल रहा था, मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ये हायर हाई का पैटर्न है, इसके अंदर अगर रहता है और यहाँ पे क्लोज होता है तो फिर यहाँ पे आपको शानदार अगेन आप बैंक निफ्टी में नए हाईज आप देखने के लिए तैयार हो जाना। और अभी मार्केट कंटिन्यूअसली एक अप मूवमेंट की तरफ चल रहा है। तो चलिए बात करते हैं कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो उससे पहले देखो ये लेवल है, पहले ये सेलेक्ट कर लेते हैं कौन से लेवल के, क्योंकि कंफ्यूजन पैदा कर देंगे ये, दो तरह के हैं। तो अगेन आपका ये वाले पॉइंट के आसपास मतलब 21,170 180 तक हम यहां तक प्रिडिक्ट करके गए थे, क्योंकि देखो यहां से जब मार्केट निकलता है 0.50 से निकल रहा है तो 0.312 की तरफ जाएगा, फिर 0.21 की तरफ जाएगा और फिर यहां तक आएगा। तो अब बाय साइड की लेकिन फ्लैट खुल के अगर एक डिप दे दे एटलीस्ट आपको 21,170 के आसपास अगर डिप मिलती है तो हम बाय की साइड में बैठेंगे। ऐसा रहेगा आपका 21,165 के आसपास का या 21,150 के आसपास का आपका एसएल रहेगा और ऊपर के टारगेट आपके आ जाएंगे 21,260 या 21,230। तो अब क्या है कि थोड़ा सा एक रेंज बाउंड मार्केट आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हम बाय की पोजीशन में बैठेंगे और अगर मान लो मार्केट अगर आपके गैप अप खुलता है और करीबन इस पॉइंट के ऊपर निकलता है 340 के पॉइंट के ऊपर निकलता है, 21,340 के आसपास अगर गैप अप खुलता है और यहाँ पे अगर सस्टेन करता है हायर हाई का पैटर्न बनाता है तो हम बाय साइड में बैठेंगे। फिर आपके ऊपर के टारगेट ये अगेन आपके 21,470 तक के लिए हो जाएंगे और अगर यहाँ पे रिजेक्ट होके नीचे तक आता है तो ज्यादा से ज्यादा नीचे में सेलिंग अगर आएगी तो ये 21,265 का ठीक है या फिर 21,170 है, तो ये इस पॉइंट तक एक बार नीचे के लेवल से एक रिट्रेसमेंट देने के लिए नीचे आ सकता है। अब सिचुएशन गैप डाउन अगर हो रहा है 21,170 के आसपास हो रहा है और यहाँ पे हायर हाई का पैटर्न बनाएगा तो फिर हम बाय की पोजीशन में बैठेंगे और अगर नीचे निकलता है
तो फिर एक हल्की पुट ले ली जा सकती है 21,050 तक, ज्यादा से ज्यादा 65 या 50 या 70, यहाँ तक कि एक पुट की पोजीशन में बैठ सकते हो। क्योंकि हो सकता है, देखो ऊपर के लेवल पे अगर आप सही तरीके से इसको देखोगे तो इसने एक प्रॉपर एक एम पैटर्न बनाया है ये चीज, ठीक है ना। तो अब इसको वापस ऊपर जाने के लिए ये हो सकता है यहाँ पे आके एक डब्ल्यू पैटर्न बनाए, या फिर एक नेगेटिव सिनेरियो भी हो सकता है। सारी कंडीशंस है मार्केट में, कौन सा इंप्लीमेंट कर सकता है तो ये हमें देखना है। तो ये या फिर ये एक बियरिश फ्लैग पैटर्न भी इस पॉइंट पे आपके यहाँ पे क्लोजिंग हो गई, और फिर नीचे अगर इसके मतलब 21,070 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर हम पुट की साइड ही बैठेंगे, और 21,050 तक, क्योंकि एक हो सकता है यहाँ से आया ये एक पैटर्न बना के फिर एक अप मूवमेंट आपको दे दे। तो ये एक एटलीस्ट इस पॉइंट तक के लिए मतलब 21,050 तक के लिए आप एक पुट की पोजीशन में बैठ सकते हो। अगर गैप डाउन होता है इस पॉइंट के आसपास 21,050, तो यहाँ पे दोस्तों 21,000 के एसएल के साथ में बाय की पोजीशन में ही बैठेंगे। और अगर फिर ये वाला 21,000 का लेवल, 21,000 या 8 का लो है 21,970 का, 20,970 का, तो अगर ये टूटता है तो फिर हम पुट है, फिर मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो और एक यानी कि आप यहाँ से इस तरह से एक ट्रेंड लाइन भी खींच लेना, ताकि आप एक ये रेजिस्टेंस का काम कर सकती है, फिर यहाँ से एक रिजेक्शन आप मार्केट में धीरे धीरे फिर नेगेटिवनेस मतलब जो अभी जो बुलिश ट्रेंड चल रहा है वो हो सकता है फिर बाद में कन्वर्ट हो जाए। तो वो देखना पड़ेगा कौन से टाइम में कौन सा मार्केट, सारी प्रिडिक्शन हमने बता दी आपको। तो चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी में किस तरह से प्लान करेंगे। तो बैंक निफ्टी का भी यानी कि अगर देखोगे तो इस डिप का मतलब 46,800, और डिप थी करीबन 900 पॉइंट का, अगर आप डिप का एसएल रख के तो देख लो, अब आप मॉर्निंग से लेकर अगर अभी तक बैठे हो तो बैंक निफ्टी में कितना पैसा बना होगा, ठीक है। तो अब ये चैनल टूटेगा तो ही इसके अंदर सेलिंग देखेंगे, अदरवाइज नहीं, क्योंकि ये हो सकता है ये सपोर्ट का काम कर जाए, और इसका जो रिट्रेसमेंट लेवल है हो सकता है इसने थोड़ा ही रिट्रेस किया और मार्केट अब अगेन आपके अप मूवमेंट की साइड जा सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की मार स्ट्रेटेजी रखेंगे। डिप कहाँ तक, 47,330 तक, तो 47,330 के आसपास तक मिलेगा अगर गैप डाउन होता है तो एक बाय की पोजीशन में हायर हाई देख के, और अगर गैप अप होता है लेकिन ये वाली लाइन नहीं निकालता, ये लाइन मतलब जो कल का हाई है 88,170, यहाँ पे एक रिजेक्शन में भी एक मार्केट करेक्टिव मूड के अंदर ऊपर के लेवल से नीचे की साइड आ सकता है। तो यहाँ पे एक हल्की पुट, कम क्वांटिटी में पुट लेनी है, हेवी नहीं लेनी, हल्की मतलब कम क्वांटिटी में, और हेवी का मतलब हो गया आपके बहुत सारी क्वांटिटी, तो लेस क्वांटिटी के अंदर पुट का, लेकिन रिजेक्शन या तो एम पैटर्न देख लो, या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देख लो, ठीक है, या फिर जैसे अगर आप कैंडल स्टिक के ऊपर अगर आप ट्रेड कर सकते हो तो इन्वर्टेड हैमर हो गई, तो इस तरह की आप कैंडल स्टिक शूटिंग स्टार हो गई, जैसे डोजी बन के फिर एक रेड कैंडल बना दी तो इसी के हाई का ऐसा लगा के नीचे की साइड में 1:2, 1:3 के टारगेट के लिए बैठ सकते हो। तो गैप अप की सिचुएशन, हाँ अगर ये एक इस ट्रेंड लाइन पे देखो आता है, ट्रेंड लाइन हमारी खींची हुई है पहले की, सपोर्ट लेके फिर एक हायर हाई बनाता है तो डेफिनेटली इस ट्रेंड लाइन के आसपास मतलब अगर मॉर्निंग में आता है तो ये हो रहेगी 47,560, और अगर आफ्टरनून तक आता है तो करीबन ये रहेगी 47,600। तो ये आप ट्रेंड लाइन का भी एक बाय की साइड में आराम से बैठ सकते हो। अब गैप अप का मैंने बता दिया, गैप डाउन है तो इसके आसपास बाय की पोजीशन हो सकता है। अब जैसे बैंक निफ्टी अगर देखोगे तो इस पॉइंट से अगर गिरावट है, लेकिन ये मोर देन 60%, 70% यानी कि इसने वापस एक रिकवरी कर दी, इसका मतलब हो सकता है कि ये अब इसने ये एक पुल बैक ही दिया है, या एक ये वाला पोर्शन अगर देखते हो तो फेक ब्रेकडाउन दिया हो, तो एक यहाँ से शानदार फिर आप इसमें अप मूवमेंट देख सकते हो। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल में अगर जुड़ना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।